नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज़ पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार छठे दिन भी जारी है। आतंकवादियों की तलाश तेज कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन का दायरा आसपास के गांव तक बढ़ाया गया है। जंगल में कई मोर्टार दागे गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। केरल से राहत भरी खबर आ रही है, क्योंकि लगातार दूसरे दिन जानलेवा निपा वायरस का एक भी केस सामने नहीं आया है। संसद के विशेष सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सत्र भले ही छोटा हो, लेकिन बेहद खास है। इस सत्र में कई ऐसे फैसले होंगे जो ऐतिहासिक होंगे, और इसलिए ये ऐतिहासिक फैसलों का सत्र होगा। महाराष्ट्र में बाघ शावकों के नामकरण को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम के बाद तब राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया, जब संभवतः आदित्य नाम वाली एक पर्ची वापस ले ली गई और उसकी जगह दूसरी पर्ची निकाली गई। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार ने 11 सूत्रीय कार्यक्रम का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में रविवार को 7 मंजिला इमारत के एक फ्लैट में आग लगी है, जिसके बाद यहां फंसे 10 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। गढ़चिरौली जिले में एक जंगली हाथी ने वन विभाग के एक कर्मचारी को कुचलकर मार डाला है। मृतक की पहचान वन विभाग के ड्राइवर सुधाकर बी आत्राम के रूप में हुई है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर संजय राउत ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह उन्हें इन मुद्दों से निपटने की शक्ति दे, वह सत्ता में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में मराठवाड़ा क्षेत्र के विकास के लिए 45,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। हैदराबाद में 16 से 17 सितंबर 2023 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। इस दौरान पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम और अन्य नेता शामिल हुए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा कमांडो की पहली बैच ने जम्मू कश्मीर के जंगलों में प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और कुपवाड़ा में तैनात किया गया है। एशिया कप की ट्रॉफी को 8वीं बार अपने नाम करने के बाद टीम इंडिया को बॉलीवुड सेलेब्स ने भी बधाई दी है। इसमें सभी ने मोहम्मद सिराज के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की। भारतीय टीम ने एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 10 विकेट से मात देने के साथ 5 साल के बाद इस खिताब को अपने नाम किया है। टीम इंडिया ने एशिया कप के इतिहास में 8वीं बार इस ट्रॉफी को जीता है। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म एनिमल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आखिरकार फिल्म के मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होगी। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने अपने एक बयान में कहा है कि देश में कई धर्म हैं, लेकिन हमने इस भावना को जिंदा रखा कि हम एकजुट हैं। साउथ के स्टाइलिश एक्टर अल्लू अर्जुन की नन्ही परी अल्लू अर्ना ने गणपति बापा की बेहद खूबसूरत सी मूर्ति बनाई है। एक्टर की पत्नी स्नेहा ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है। अडानी पर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में एक नया आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। इसमें एक नई विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग की गई है। खतरों के खिलाड़ी सीजन 30 से पिछले हफ्ते अब्दुल रोजिक बाहर हुए थे और ऐश्वर्या शर्मा को एग्जिट होने के बावजूद एक मौका दिया गया था, लेकिन इस हफ्ते रोहित शेट्टी ने फिर एक बार शो से एग्जिट हुए कंटेस्टेंट के नाम की घोषणा कर दी है। अब सीजन खान को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। शाहरुख खान की फिल्म जवान 7 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। सिनेमाघरों में इस फिल्म को लगे 11 दिन हो गए हैं। वहीं अब भी किंग खान की ये फिल्म कमाई के मामले में जबरदस्त कमाल दिखाती नजर आ रही है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर इस कदर सफलता हाथ लगी है कि ये लगातार कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करी है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।